नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आना है और ये सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन ऐप। यहाँ आपका इंस्टॉल आ जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद इस प्रकार ओपन आएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप ओपन कर लीजिएगा। इस प्रकार ओपन करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आएगा, उसके बाद नीचे जो है आपका इस प्रकार आ जाएगा और यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पासवर्ड डाल लेना है। मोबाइल नंबर में आपका जो BLO में दिया हुआ है वो वाला, और पासवर्ड बिल्कुल इस प्रकार डालना है। देखिए मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, इसी प्रकार डालना है। मतलब एक कैपिटल लेटर और एक कैपिटल लेटर के साथ और 5 स्मॉल लेटर होना चाहिए, मतलब करेक्टर में कम से कम 6 होना चाहिए। और एक एकदम आपका ये नंबर होना चाहिए, यूनिक नंबर, जैसे हैश हुआ या फिर डॉट हुआ या कुछ भी इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद आपको करना है यहाँ न्यू यूजर में करना है, क्या कि आप अकाउंट बना रहे हैं तो न्यू यूजर ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ फिर से मोबाइल नंबर आप डालिएगा, इस प्रकार डाल लिया, और यहाँ सेंड OTP कर देना है। सेंड OTP करके हम लोग को वेट करना है जब तक कि OTP नहीं आ जाता है। देखिए फ्रेंड, OTP आ गया है। अब OTP आने के बाद यहाँ वेरीफाई कर लेना है, यहाँ जो टाइमिंग दिखा रहा है उससे पहले सिंपल सा यहाँ क्लिक मार देना है। क्लिक मारते ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ आपको ईमेल आईडी डाल लेना है, ये LKL नंबर आपका, और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है जैसे हम लोग पहले डाले थे, आपको स्क्रीन में दे रहे हैं इस प्रकार डालना है। मतलब देखिए यहाँ आपको कैसे डालना है ये बता दिया है, मतलब बड़ा अक्षर एक और फिर 6 कम से कम करेक्टर हो और फिर नंबरिंग भी हो, मतलब 1, 2, 3 कुछ भी हो और एक स्पेशल लेटर हो। तो इस प्रकार डाल लेने के बाद आपको सबमिट कर देना है इस प्रकार। देखिए फ्रेंड मेरा सबमिट इसलिए नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिखा रहा है कि आपका सबमिट है, इसलिए नहीं हो रहा है। आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका दिखा दे रहा है यहाँ पर, तो आप कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है, यानी बैक आके फिर आपको लॉगिन करना है इसमें। तो चलिए मैं वहाँ ले चलता हूँ लॉगिन के वहाँ। तो फ्रेंड जहाँ से हम लोग न्यू ईयर किए थे उसी जगह से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पासवर्ड मांगता है, तो जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसी पासवर्ड से यहाँ करके आपको लॉगिन कर लेना है इस प्रकार। जैसे ही आप ऐसा कीजिएगा तो थोड़ा देरी में आपका लॉगिन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड ये लॉगिन हो गया, थोड़ा टाइम लिया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।